आज ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, दो दिन बाद ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा, महास्नान पूर्णिमा, देवस्नान पूर्णिमा, जगन्नाथ महाप्रभु, श्री बलभद्र महाप्रभु, सुभद्रा महारानी, चक्रा सुदर्शन, रत्न सिंहासन छोड़ करके स्नान वेदी, स्नान मंडप में विराजेंगे। महाप्रभु का महास्नान होगा, महाअभिषेक होगा। ये महास्नान क्यों है? ये ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा ये महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, आविर्भाव दिवस है। जैसे जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण का अभिषेक किया जाता है, रामनवमी के दिन श्री राम का अभिषेक किया जाता है, नृसिंह चतुर्दशी के दिन भगवान नृसिंह का अभिषेक किया जाता है, गौर पूर्णिमा को महाप्रभु का श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक किया जाता है, ऐसे ही जो अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, अचिंत्य हैं, वह परात्पर परब्रह्म पुरुषोत्तम है, दारू रूप धारण करके नीलाचल में श्री क्षेत्र में यज्ञ वेदी, आड़प वेदी, गुंडीचा मंडप में इसी दिन आविर्भाव हुए थे। पहले एक बात सब समझ लीजिए, प्रायः सारी दुनिया आधे से ज्यादा एक प्रसिद्धि है, बद्रीनाथ सतयुग का धाम है, रामेश्वरम त्रेता का धाम है, द्वारिका द्वापर का धाम है, और उस क्रम में सब कह देते हैं कि नीलाचल ये कलयुग का धाम है। महाप्रभु कलयुग में प्रत्यक्ष विराजमान है, इसमें कोई अन्यथा नहीं है, कोई अनुचित नहीं है, परंतु नीलाचल ये श्री क्षेत्र, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र, ये केवल कलयुग का धाम नहीं है। महाप्रभु का प्रादुर्भाव कब हुआ, किस तिथि पे हुआ, ये बात सनातनियों को जाननी चाहिए। स्कंध पुराण में, उत्कल खंड में जैमिनी मुनि बता रहे हैं, जगन्नाथ महाप्रभु इस धराधाम में, इस नीलाचल में कब आए? मनो स्वायंभुवस्यास्य द्वितीये च चतुर्युगे कृतस्य प्रथमे ज्येष्ठे ग्रीष्माख्य ऋतुसंस्थितो ज्येष्ठ्या महंचावतीर्णस्तत पुण्यं जन्मवासरम्। काल के विभाग के अनुसार ब्रह्मा जी की एक दिन एक कल्प कहते हैं, एक कल्प में 1000 चतुर्युगी, सत्य त्रेता द्वापर कली 1000 बार बीत जाते हैं, ये एक कल्प है ब्रह्मा जी का एक दिन, और उतना ही ब्रह्मा जी का रात्रि है। तो एक कल्प में कितने चतुर्युगी हैं? 1000, और 1000 चतुर्युगी एक कल्प में 14 मन्वंतर होते हैं, एक मनु का काल उसे कहते हैं एक मन्वंतर। हर मन्वंतर में सप्तर्षि बदल जाते हैं, इंद्र बदल जाते हैं, मनु बदल जाते हैं, और हर मन्वंतर में भगवान का एक अवतार होता है जिसे मन्वंतरावतार कहते हैं। और 1000 चतुर्युगी को यदि 14 मनु में आप विभाजित करो
तो एक एक मन्वंतर के काल में प्राय 71 चतुर्योगी आएंगे। कितने? 71 चतुर्योगी। तो यह जो कल्प चल रहा है, इस कल्प का नाम है श्वेत वराह कल्प। भगवान यज्ञ वराह रूप धारण करके पृथ्वी को रसातल से लाते हैं और इस कल्प का आरंभ होता है। और इस कल्प के प्रथम मन्वंतर के मनु है स्वायंभव मनु, और उस मन्वंतर का नाम है स्वायंभव मन्वंतर। स्वयं ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुए हैं स्वयंभव मनु और सतरूपा, ये दोनों ये अनादि मानव मानवी हैं। स्वायंभव मनु और सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। तो पहला मन्वंतर है स्वायंभव मन्वंतर। जैमिनी कहते हैं मनो स्वायंभुवस्य द्वितीये च चतुर्युगे। तो स्वायंभव मन्वंतर का प्रथम चतुर्युगी बीत गया, सत्य त्रेता द्वापर कली एक बार बीत गया, और स्वायंभव मन्वंतर के ही दूसरे चतुर्युगी के प्रथम सतयुग में श्री जगन्नाथ महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। समझ में आया? स्वायंभव मन्वंतर के दूसरे चतुर्युगी के प्रथम सतयुग के कृतस्य प्रथमे ज्येष्ठे, सतयुग के प्रथम ज्येष्ठ मास ग्रीष्माख्य ऋतु संस्थितौ, गर्मी का दिन था, ग्रीष्म ऋतु चल रहा था और ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के तिथि में जगन्नाथ महाप्रभु का प्रादुर्भाव दारु विग्रह में चतुर्धा रूप में जगन्नाथ महाप्रभु, बलभद्र महाप्रभु, सुभद्रा महारानी, चक्रा, सुदर्शन, ये चार प्रकट हुए हैं। तो अभी जो काल चल रहा है ये कौन सा काल चल रहा है, अगर हिसाब लगाएंगे तो पता चल जाएगा श्री जगन्नाथ महाप्रभु कितने समय से विराजमान है। स्वायंभव मन्वंतर के बाद चाक्षुष मन्वंतर आया, चाक्षुष मन्वंतर के बाद उत्तम नाम का मन्वंतर आया, उत्तम मन्वंतर के बाद तामस नाम का मन्वंतर आया, तामस मन्वंतर के बाद रेवत नाम का मन्वंतर आया, रेवत मन्वंतर के बाद स्वारोचिस नाम का मन्वंतर आया, और उसके बाद वैवस्वत मन्वंतर आया, जो मन्वंतर अभी चल रहा है, ये सातवां मन्वंतर है। इसके बाद और सात मन्वंतर आने वाले हैं। तो वैवस्वत मन्वंतर के काल में काल का भी कोई कहते हैं 27वां, कोई कहते हैं 28वां चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। और इसी वैवस्वत मन्वंतर के इसी चतुर्युगी में श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। और यहां जैमिनी मुनि कहते हैं श्री कृष्ण अपने काल में नीलाचल आए थे, 3 दिन यहां रुके, व्रत किया, समुद्र में स्नान किया, जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन किया। ध्यान दीजिए, वैवस्वते अंतरे सप्तविंशे चैव चतुर्युगे द्वापरान्ते समायातौ तदा कृष्णार्जुनाभौ। वैवस्वत मन्वंतर के सप्तविंश 27वें चतुर्युग में द्वापर के अंत में श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। और श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के श्रीक्षेत्र आए थे, त्रिदिनानि स्थितावतत्र व्रतस्थौ मधुसूदन भक्त्या संपूज्यतम स्तुत्वा
जगमुतु द्वारकाम पुनः। यहाँ कितने दिन श्री कृष्ण रुके? त्रिदिनानी, तीन दिन यहाँ रुके। व्रतस्थो मधुसूदन, श्री कृष्ण ने संयमता पूर्वक यहाँ व्रत का पालन किया। जगन्नाथ महाप्रभु का भक्त्या संपूज्य, भक्ति से जगन्नाथ महाप्रभु का पूजन किया और पूजन करने के बाद पुनः द्वारिका लौट गए। तो अब हिसाब लगाओ जगन्नाथ महाप्रभु कितने दिनों से हैं। एक मन्वंतर में 31 चतुर्युगी, तो 6 मन्वंतर बीत गए। 71 को 6 से युक्त करो, कितने चतुर्युगी बीत गए? 426 बार, और इस मन्वंतर का एक चतुर्युगी बीत गया। पहले मन्वंतर का एक चतुर्युगी बीत गया तो और 4, तो 426 और 4, 430। 430 बार सतयुग, 430 बार त्रेता, 430 बार द्वापर और 430 बार कलयुग बीत चुका है। उतने समय से नीलाचल में श्री जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान हैं। इस बात को सबको बताना चाहिए, सबके पास ये बात पहुंचाना चाहिए कि जगन्नाथ महाप्रभु केवल कलयुग के नहीं हैं। कितने युग बीत गए, कितने बार राम अवतार, कितने बार कृष्ण अवतार, नृसिंह वराह वामन, कितने बार कल्कि, कितने कितने अवतार बीत गए। इसीलिए जगन्नाथ महाप्रभु अंश नहीं है, ये अवतार नहीं है, ये अवतारी है। सभी अवतार इनसे प्रकट होते हैं और इन्हीं में विलीन होते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु की। इंद्रदुम्न महाराज के यज्ञ से प्रसन्न होकर के 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद, 500 वर्ष तक यज्ञ करने के बाद महाप्रभु यज्ञ वेदी आड़फ वेदी गुंडीचा मंडप में प्रकट हुए हैं। इसी तिथि के दिन महाप्रभु प्रकट हुए, इसीलिए पुण्यम जन्मवासरम, ये भगवान का जन्मदिन है, अवतरण की तिथि है। इसीलिए जब ब्रह्मा जी ने श्री जगन्नाथ महाप्रभु की प्रतिष्ठा की और महाप्रभु से निवेदन किया कि महाप्रभु आप इंद्रदुम्न महाराज को आज्ञा दीजिए, आपकी प्रसन्नता किस में है, महाराज इंद्रदुम्न आपकी सेवा करना चाहते हैं। इसीलिए त्वन्मुखाम्भोजगलित माज्ञामृतरसं नृपः पिपासुस्त्वां जगन्नाथ पश्यतोषनिमेषकम्। महाराज इंद्रदुम्न आपके श्रीमुख से आज्ञा श्रवण करने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े हैं प्रभु, आपके मुखाम्भोज से विगलित वचनामृत को सुनने के लिए सभी आतुर हैं, इसलिए आप अपनी इच्छा से आज्ञा दीजिए। तब प्रतिमा उवाच, श्री प्रतिमा उवाच, स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु ने अपने श्री मुख से आज्ञा दी थी कि हे महाराज इंद्रदुम्नः प्रसन्नस्ते भक्त्या निष्काम कर्म भी, तुम्हारे निष्काम भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं राजा, अखंड भक्ति की वरदान, अखंड भक्ति का वरदान महाराज इंद्रदुम्न को भगवान देते हैं और कहते हैं हे राजा इंद्रदुम्नः ये मंदिर मेरी इच्छा से बना है और युग युग तक तुम्हारा ही नाम रहेगा। बहुत बार ये मंदिर भग्न होगा,
किंतु मैं बार बार सत्य कह करके कहता हूँ, इस क्षेत्र को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। सत्यम सत्यम पुनः सत्य सत्यमेव ब्रवीमिते प्रासाद भंगे तत्स्थानम न तक्षामि कदाचन। सत्य 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 तीन बार सत्य कहते हैं, ये मंदिर बार बार भग्न होगा फिर भी इस स्थान को छोड़ करके न तक्षामि कदाचन, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। महाराज इंद्रदुम्न ने सेवा मांगा है, भक्त की संपत्ति सेवा होती है, सेवा ही की निधि, इसलिए महाप्रभु आप मुझे सेवा दीजिए। तो यहाँ महाप्रभु ने द्वादश यात्रा 12 यात्रा करने की आज्ञा दी थी, और उसमें से प्रमुख यात्रा, प्रधान यात्रा श्रीगुंडीचा यात्रा, और प्रथम यात्रा है स्नान यात्रा। स्वयं महाप्रभु अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, हे महाराज इंद्रदुम्न, ये ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा पुण्यम जन्मवासरम, ये मेरा जन्मवासर है, इसी दिन मेरा आविर्भाव हुआ था, प्राकट्य हुआ था, इसीलिए आज के दिन तस्याम मे स्नपनम कुर्यान् महास्नान विधानतः प्रत्यर्चायां महाराज साधिभासं समृद्धिमत। आज के दिन मेरा महाअभिषेक करना, मे स्नपनम कुर्यान् महास्नान विधानतः, स्नपनम मने स्नान करना, मेरा महास्नान कराना आज के दिन, जल अधिवास करके, अधिवास माने एक दिन पूर्व जल की पूजन करके, सुगंधित द्रव्य आदि उसमें डाल करके अधिवास पूर्वक मेरा महास्नान कराना। और हे राजन, मुझे स्नान वेदी के ऊपर महास्नान करते समय जो भी सौभाग्य जीव दर्शन करेंगे, दर्शन करते ही पापम विनाशयिष्यामि कोटि जन्म विरर्जितम सर्वतीर्थ क्रतुफलम सर्वदान फलम तथा। कोटि जन्म विरर्जितम, एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों से अर्जित जो पाप हैं, अनेक जन्मों से जीव के भीतर जो संचित पाप हैं, वह सब पाप मुझे स्नान मंडप पे स्नान करते, दर्शन करते ही सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे। सर्व तीर्थ क्रतु फलम, समस्त तीर्थों में अवगाहन करने से जो फल प्राप्त होगा, वह फल उसे प्राप्त हो जाएगा। अनेक यज्ञ करने का फल उसे मिल जाएगा। सर्वदान फलम, इस संसार में जितने प्रकार के दान हैं, गोदान से लेकर के कन्यादान पर्यंत, सभी दान करने का लाभ उसे मिल जाएगा जो एक बार मुझे स्नान करते समय दर्शन कर लेगा। पर हे राजन, मुझे स्नान कराने के लिए व्यवस्था मैंने कर दी है, उसी कुएं का जल लाकर के मुझे स्नान कराना। कौन से कुएं का? महाप्रभु कह रहे हैं, निक्रोधादुत्तरे कूप सर्वतीर्थ मयो निक्रोध माने बटवृक्ष, कल्पवट, कल्पवृक्ष के उत्तर दिशा में एक कुआं है, और उस कूप को मैंने ही अपनी इच्छा से प्रकट कराया है। मैं यहां प्रकट होने से पूर्व ही उस कुएं का प्राकट्य मैंने कर दिया है।
स्नानाय पूर्वं निर्मायः किञ्चित् आच्छादितं भुवि अवतीर्णस्त्वहं पश्चात्तं विविध्य प्रकाशयः। मेरा प्राकट्य बाद में हुआ है राजन, उस कुएं का प्राकट्य पहले हो गया है। कल्प वृक्ष के उत्तर दिशा, उत्तर द्वार के पास जहां शीतला देवी का मंदिर है, शीतला माता के मंदिर के, शीतला देवी के सामने ही जो कुआं है, उस कुएं के जल से ही मेरा स्नान कराना। चतुर्दशी के दिन ही जल उलीच करके संस्कार्य स चतुर्दश्याम बलिम दत्वा विधानतः। श्री क्षेत्र में जितने देवी देवता हैं, है, सबका पूजन करना, उस कुएं का पूजन करना और विधिवत जल उलीच करके, जल संस्कार करके उस जल से हे राजन मेरा स्नान करना। स्नाप्यमानं तुजह पश्ये मां तदा नृपसत्तम देहबन्धमवाप्नोति न पुनः सतु पुरुषः। हे राजन, स्नान करते समय जह पश्येन माम, जो मेरा दर्शन करेगा, मंच स्नान करते समय जो मेरा दर्शन करेगा, उसे फिर माता के गर्भ में जाना नहीं पड़ेगा। एक बार मेरा दर्शन कर ले, न पुनः सतु पुरुषः, फिर उस पुरुष को, उस जीव को माता के गर्भ में आना नहीं पड़ेगा। हे राजन, तत्र माम रामभद्रायाम स्नापयित्वा पुनर्नयेत। बलभद्र महाप्रभु के साथ, सुभद्रा महारानी के सहित, सुदर्शन चक्रराज के सहित मुझे वहां स्नान कराना। और महाप्रभु ने ही आज्ञा दी है, स्नान कराने के बाद 15 दिन पर्यंत कोई मेरा दर्शन नहीं करेंगे। ततः पञ्चदशाहानि स्नापयित्वा तु मां नृपः विरूपमभिरूपं वा न पश्येतु कदाचन। पञ्चदशाहानि, 15 दिन महाप्रभु कहते हैं मैं विरूप हो जाऊंगा। स्नान करेंगे तो मुख में जो महाप्रभु का श्रृंगार है, मुख श्रृंगार सब विरूप हो जाएगा, तो मेरे अस्त व्यस्त श्रृंगार युक्त रूप को, मेरे विरूप रूप को न पश्येतु कदाचन, भूल कर भी कोई दर्शन नहीं करना। देखने से किसी का मंगल नहीं होगा। और जैमिनी मुनि कह रहे हैं कि स्नान पूर्णिमा, इसके जैसा पुण्य तिथि संसार में नहीं है। इस दिन ब्रह्मा जी के सहित भगवान शंकर, इंद्र आदि सभी देवता महाप्रभु का मंच स्नान दर्शन के करने के लिए आते हैं। आयान्ति ब्रह्मणा सार्धं स्नपनाय जगत्पते स्वर्गाम्भ समादाय पारिजात विभूषितम्। जगन्नाथ महाप्रभु की आयान्ति ब्रह्मणा सार्धम। ब्रह्मा जी आएंगे, सभी देवता उस दिन आएंगे, स्वर्ग गंगा का जल लेकर के आएंगे। इसीलिए उस दिन जो जल की वर्षा होती है वो कोई सामान्य जल की वर्षा नहीं होती। स्वर्गाम्भ समादाय, स्वर्ग गंगा का जल ला करके सभी देवता महाप्रभु का
अभिषेक करेंगे। पारिजात विभूषितम, स्वर्ग के पुष्प, नंदन वन के पुष्प, पारिजात पुष्प ला करके महाप्रभु का अभिषेक करेंगे। ब्रह्मा जी के सहित सभी देवता आएंगे। मंचस्थस नापयंती है वचनात् परमेष्ठिनः, महाप्रभु का मंच स्नान दर्शन करेंगे और देवता ऊपर रहते हैं, देवताओं का चरण पृथ्वी में नहीं छूता। और महाप्रभु के ऊपर जब जलाभिषेक होगा उस समय देवता क्या कहते हैं, जय शब्देश्च स्तुतिभिः वन्देयं त्रिदिवो त्रिदिवौकसाम्। जय हो जय हो जय हो, नाना स्तुति करके वन्देयं त्रिदिवौकसाम्, सभी देवता ब्रह्मा शंकर आदि ऊपर मध्य आकाश में रह करके भगवान की स्तुति वंदना करेंगे। और उस आकाश गंगा का जल जिसके ऊपर पड़ेगा उसके सारे पाप तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे। और कैसे महाप्रभु का स्नान यात्रा कराया जाए, विधि बताए हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा की पूर्व रात्रि ही अर्धरात्रि निशीथ को जगन्नाथ महाप्रभु, श्री बलदेव महाप्रभु, सुभद्रा महारानी, चक्रराज, रत्न सिंहासन से उतर करके महाप्रभु के सेवक सनई सनई ततो निन्यु हरिम हरी पुरसरम। सनई सनई मने धीरे धीरे, जिसे उत्कल भाषा में, मंदिर के भाषा में पहंडी कहते हैं। शनई शनई ततो निन्यु, सुंदर टाहिया मुकुट लगा करके एक एक करके पहले दाऊ दादा को भेजते हैं। हरि पुरस्सरम, श्री बलदेव महाप्रभु के पीछे पीछे जगन्नाथ महाप्रभु, बलभद्र, सुभद्रा, चतुर्धा मूर्ति, ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या राज्ञा सम्मानिता द्रुता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य राजा के द्वारा सम्मानित होकर के जिनको अधिकार प्राप्त हुआ है, ये सब महाप्रभु को सनई सनई धीरे 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 स्नान मंडप के और लेकर के आएंगे। और जब महाप्रभु आते होंगे, देवता स्तुति करेंगे, ब्राह्मण वेद ध्वनि करेंगे, घंट शंख मृदंग आदि दिव्य वाद्य बजेंगे, चामरे तालवृत्तेश्च विज्यमानं निरंतरम। चमर और व्यजन महाप्रभु को व्यजन करते हुए, पंखा करते हुए, चमर ढुलाते हुए, अगरु आदि सुगंधित द्रव्यों को महाप्रभु के आगे आगे छिड़कते छिड़कते महाप्रभु को लेकर के आएंगे। नययूर प्रमाद्यांतो भगवंतं मुदान्विता, जगन्नाथ महाप्रभु की वह सेवक धन्य है जिनको यह सेवा प्राप्त हुई है। पर यहाँ जैमिनी मुनि कहते हैं जो सेवक महाप्रभु को लेकर के आएंगे, विश्वंभर जगन्नाथे के चालाइते पारे, आपोना इच्छाते चाले करिते बिहारे। कविराज कहते हैं विश्वंभर जगन्नाथ महाप्रभु को एक पद भी आगे ले जाने की क्षमता किसमें है, अपने इच्छा से महाप्रभु आएंगे। किसी में ये सामर्थ्य नहीं है कि बिना महाप्रभु की इच्छा महाप्रभु को एक पग आगे ले जाएं। फिर भी जिनको यह सौभाग्य मिला है उनको कैसे महाप्रभु को लेके जाना चाहिए। नययूर प्रमाद्यंतो भगवंतं मुदान्विता, प्रमादतो यदि भवेत् पतनं मुरवैरिणम्।
नययूर अप्रमाद्यंतो, आलस्य को छोड़ करके, प्रमाद को छोड़ करके, अत्यंत सावधान हो करके, भक्तिया समाधिस्थ हो करके, भक्ति से युक्त हो करके, अहंकार शून्य हो करके, भगवंतम मुदान्विता प्रसन्न हो करके, आनंदित हो करके, महाप्रभु को लेकर के जाएंगे। कौते को दईता करे स्कंध आलम्बन, कौते को दईता धरे श्रीपद्म चरण। कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई भुजाओं को पकड़े हैं, और अत्यंत सावधान है होकर के लेके जाना। यदि किसी सेवक के हाथों से जगन्नाथ महाप्रभु, शिवलभद्र महाप्रभु, सुभद्रा महारानी या चक्राशुदर्शन थोड़े से भी नीचे गिर जाएं, प्रमादतो यदि भवेत पतनम मुरवैरिणम, भगवान मुरारी मुरवैरी, अगर उनका थोड़ा सा भी हाथों से पतन हो जाए, स्खलन हो जाए, नीचे गिर जाए, श्रीअंग को चोट आ जाए, तो यहाँ जैमिनी कहते हैं बलस्य वा सुभद्रायाम राज्ञो राज्यस्य भीतिकृतः। बलदाऊ बलभद्र महाप्रभु या सुदर्शन चक्रराज या सुभद्रा, इनके श्रीअंग को यदि थोड़ा सा भी क्षति आ जाए तो राज्य के प्रति विपत्ति है। राज्यस्य भीतिकृतः, ये राज्य के लिए शुभ नहीं है, भयावह स्थिति आ सकते हैं। और अपि पातयता हानि संतते बहु दुखितः, और जिसके हाथ से महाप्रभु गिर जाएंगे उसका तो बहुत बड़ा हानि हो जाएगा। संतते बहु दुखितः, उसका वंश बिगड़ जाएगा, उसके संतान संतति को दुख भोगना पड़ेगा, वंश नाश भी हो सकता है। इसीलिए नययूर अप्रमाद्यंतो भगवंतम मुदान्विता, महाप्रभु के पास समर्पित हो जाना है कि हे महामेरु, हे महाभुज, आपको एक पद ले जाने की भी क्षमता हमें नहीं है, आप हमें पकड़ के लेके चलिए। और जब महाप्रभु स्वयं सेवकों को लेकर के जाएंगे तो महाप्रभु को ले जाने में कोई व्यवधान नहीं होगा। यहाँ जैमिनी कहते हैं यदि कोई मूढ़ व्यक्ति महाप्रभु को सामान्य काष्ठ मान लेता है, सामान्य दारू मान लेता है, मूर्ति मान लेता है, और उनके प्रति असावधान बुद्धि रखता है, नरके नियतम वासो भवे तेषां दुरात्मनाम, उस दुरात्मना का, दुरात्मन का नरक में वास होगा। विमुह्यन्तश्चि रादारुमयं प्रतिमा कथम, अगर महाप्रभु को सामान्य प्रतिमा मान लेता है, क्योंकि ये सामान्य प्रतिमा नहीं है। न चायं निर्मितः केनः द्रुमस्वेनैव निर्मितः, इनको किसी ने बनाया नहीं है, सारे जगत को इन्होंने बनाया है, और अपने आप को भी स्वयं महाप्रभु ने प्रकट कराया है। और इसी दारू रूप में रह करके बरम ददाति यानूनम न चासो प्रतिमा मतः, इसी दारू रूप में रह करके जो जो बर मांगता है, जो कामना लेकर के जाता है, महाप्रभु उसकी सभी कामना पूरी करते हैं। तो अत्यंत सावधानी से सुभद्रा बलभद्रौच राजवत परिचर्या वै, राज उपचार से, राज उपचार से, महा उपचार से, जैसे कोई बहुत बड़ा सम्राट जाता है, ऐसे सुभद्रा महारानी, श्री बलदेव, चक्रा सुदर्शन एवं महाप्रभु को स्नान मंडप में ले जा करके विराजमान करना। नियते मंच देशम तु निषिधे ब्राह्मणादि भी, स्नान पूर्णिमा के पूर्व निषिद्ध, आज भी रात को ही महाप्रभु का पहंडी होगा, रात को ही महाप्रभु
निद्रा त्याग करके, निद्रा छोड़ करके भक्तों के साथ मिलने के लिए हैं। भक्तवत्सल भगवान भक्तों से मिलने के लिए आतुर व्याकुल होकर के महाप्रभु आ जाते हैं। और उस समय स्नान मंच पे, स्नान वेदी पे ले जा करके महाप्रभु का राज उपचार के सहित स्नान कराना। स्नाप्यमानं तु पश्यन्ति जेनरास्तत्र संस्थिता गर्भोदकेन स्नपनं नते पुनरवाप्नुयु। महाप्रभु को स्नाप्यमानं तु पश्यन्ति, स्नान करते समय जो दर्शन करेगा उसको माता के गर्भ में आना नहीं पड़ेगा। फिर से कह रहे हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ज्येष्ठ स्नानम भगवतो जे पश्यन्ति मुदान्विता नते भवावधो मज्जन्ति जात्रा सुत्कंठमानसा। भवसागर में उसको फंसना नहीं पड़ता। सत्यम सत्यम पुनः सत्य ब्रवीमि द्विजपुंगवः सर्वसंताप शमनः अशेष मलनाशनम्। मैं सत्य 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 तीन बार सत्य कह करके कहता हूँ हे ब्राह्मणों। महाप्रभु को एक बार जो स्नान करते समय देख लेगा सर्व संताप शमनः, उसके जीवन में जितने दुख हैं, जितने ताप हैं, सभी दूर हो जाएगा। अशेष मलनाशनम्, उसके जीवन के सारे पाप, सारे मल, सारे कलमश अपराध दूर हो जाएंगे। तानि सर्वाणि शीयन्ते पश्यताम स्नपनम हरे नातः परतरम कर्म या नाया सेन मोचनम। महाप्रभु के ज्येष्ठा स्नान से बढ़कर के बड़ा सत्कर्म जगत में नहीं है। स्नान करते महाप्रभु को देख लो सभी पुण्य प्राप्त हो जाएंगे। सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। और जब महाप्रभु स्नान कर रहे होंगे, हम सामने खड़े होंगे, महाप्रभु के ऊपर जलाभिषेक हो रहा होगा, उस समय क्या कहना है? जयस्व राम भद्रेति जय भद्रेति यो वदेत् जय कृष्ण जगन्नाथ जयत्योच्चारयन् मुदा। जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, सुभद्रा महारानी की, चक्रराज सुदर्शन की जय। जयस्व राम भद्रेति जय भद्रेति यो वदेत्। बार बार जयकार जो करेगा, महाप्रभु की स्तुति वंदना जो भाव में आए महाप्रभु को सुनाएगा। स्नान काले सवे मुक्तिम प्रयाति द्विजसत्तमः। महाप्रभु उसे मुक्ति तो प्रदान करते हैं और जो कामना लेकर के वो जाएगा उसकी वह कामना महाप्रभु पूरी कर देते हैं। जिन माताओं को बंध्या दोष है, संतान संतति नहीं होती, या बार बार गर्भ धारण करने के बाद एक दो महीने में ही गर्भ नष्ट हो जाते हैं, या जिनके यहाँ पुत्र का जन्म नहीं होता, ऐसी माताएं महाप्रभु स्नान करने के बाद उस निर्माल्य जल को, उस प्रसादी स्नान जल को अगर उन माताओं को स्नान कराया जाए तो बंध्या नारी को भी पुत्र की प्राप्ति होगी। अपुत्रा मृतवत्सावा बंध्या चापी लभे सुतम सुभग सर्वलोकानां निर्धनो धनवान भवेत्। बंध्या नारी पुत्रवती बन जाएगी। मृतवत्सा माने जिनके यहाँ पुत्र का जन्म होता है और जन्म होते ही बच्चे मर जाते हैं,
ऐसे माताओं को भी पुत्र की प्राप्ति होगी। सुभगा सर्वलोकानाम, जो दुर्भागी होगा भाग्यहीन होगा वो दुर्भागी से सदभागी बन जाएगा, उसका भाग्य जग जाएगा। और निर्धनो धनवान भवेत, जो निर्धन है उसको लक्ष्मी महारानी की कृपा होगी, वह धनवान बन जाएगा। गुर्विणी लभते पुत्रम दीर्घायु गुणवर्धनम। और गर्भवती नारी जिसके गर्भ में संतान है वह यदि महाप्रभु के स्नान जल से स्नान करे तो ऐसा पुत्र उसे प्राप्त होगा दीर्घायु गुणवत्तरम। दीर्घायु पुत्र है, यशस्वी पुत्र है, विद्वान पुत्र है, गुणवान पुत्र प्राप्त होगा। क्योंकि गंगा आदि जल में स्नान करने से जितना लाभ है उससे कहीं ज्यादा फल प्राप्त होता है महाप्रभु के प्रसादी जल से स्नान करने से। गंगा आदि सर्व तीर्थानाम स्नानजम फलम आप्नुया। और क्या लाभ है जिस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया है, शरीर में गलित कुष्ठ हो गए हैं, ऐसे कुष्ठ रोगी को भी यदि महाप्रभु का स्नान जल लाकर के उसके शरीर में लेप कर दिया जाए तो कुष्ठ व्याधि युतो यो वै सर्वांग परिलेपै नश्यते नात्र संदेहो वाग्मी शास्त्र को विदः। कुष्ठ रोगी का कुष्ठ तो सुंदर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और वह व्यक्ति बाग्मी बन जाएगा, विद्वान बन जाएगा, पंडित बन जाएगा। ऐसे महाप्रभु की स्नान की महिमा है। महाप्रभु दिन भर स्नान में रहेंगे, बाहर रहते हैं 108 घड़े जल से महाप्रभु सबके सामने स्नान करेंगे। और संध्या के समय गजानन वेश गणपति भट्ट आए थे, जिनकी आराध्य देव इष्ट देव भगवान गणेश थे। महाप्रभु को देख करके इतना सुख नहीं मिला, बोले इन ये गणेश नहीं है, इनके हाथ में पास अंकुश नहीं है, इनका मुख गजमुख नहीं है। तो उनको सुख देने के लिए महाप्रभु गणपति के रूप में प्रकट हो गए हैं। ये जो गणपति प्रकट हुए हैं ये गौरी नंदन गणपति नहीं है। जब शिव पार्वती का विवाह हुआ तो उस समय भी गणेश पूजा गणेश पूजन किया गया। अरे भाई माता पिता का विवाह है तो बेटा का तो जन्म ही नहीं हुआ तो कौन से गणेश की पूजा की जा रही है। ये तो आदि गणेश हैं, ये महागणपति हैं। तो जगन्नाथ महाप्रभु गौरी नंदन नहीं है, ये महागणपति हैं, ये महागणेश हैं, आदि गणेश हैं। तो इसीलिए जिन पे बने जीवन में एक बार और हो तो हर साल साल में एक बार महाप्रभु का मंच स्नान महास्नान दर्शन करना चाहिए। जगन्नाथ महाप्रभु की जय।